हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। नीलम की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड हम आपको पुलाव की रेसिपी बताएंगे। हमारा पुलाव बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। तो देखिए हम इसमें डालने के लिए क्या क्या लिए हैं। हमने 500 ग्राम चावल एक घंटे पहले भिगा के रख लिया था और गर्म पानी, इसमें हमने मटर डाल के उबाल लिया था। तड़का के लिए हमने जीरा, लौंग, तेज पत्ता लिया है और घी, स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। आपके पास फ्रेंड काजू है तो आप काजू ले सकते हैं। हमारे पास काजू नहीं था इसलिए हम काजू नहीं लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे का प्रोसेस बताते हैं। देखिए हमने गैस ऑन कर लिया है और पतीला रख दिया है गर्म होने के लिए। हमारा पतीला गर्म हो चुका है, अब इसमें हम घी डालेंगे। अब इसमें हम तड़का डालेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब इसके बाद हम चावल डालेंगे। चावल हम अच्छी तरह चलाएंगे इसमें। गैस का फ्लेम अब हम तेज कर देंगे। देखिए हमारे चावल में से कट कट की आवाज आ रही है, ये नीचे तली में पकड़ रहा है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में हमारा चावल बन के तैयार हो जाए। तेजी प्रोसेस है इसका। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा ही डालना है इसमें। देखिए हमारा चावल बॉईल हो रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। अब इसको हम ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है। अब हम देखेंगे ढक्कन हटा के, देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसको हम चला के चेक करेंगे। देखिए इसका एक एक दाना कितना खिल रहा है। थोड़ा सा और इसको पकाएंगे। देखिए हमारा कट कट का आवाज आ रहा है चावल में से। देखिए नीचे पकड़ रहा है चावल। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावल को ढककर 10 मिनट रहने देंगे। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमारा 10 मिनट हो चुका है। हम आपको खोल के दिखाते हैं हमारा चावल का दाना कितना खिला खिला हुआ है। पास से देखिए में ये कितना अच्छा लग रहा है। अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। देखिए एक एक दाना खिल जा रहा है इसका। देखिए हमारा देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। इसका एक एक दाना अलग अलग है। अगर हमारे पुलाव की रेसिपी पसंद आए तो अपने घर पे जरूर एक बार ट्राई करें और नीलम रसोई के साथ शेयर करें। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।